कहा खड़ा। सबसे पहले काफी दुख और गुस्से क्या गुस्से की बात है कि आज आंदोलन के क्रम में विनोद बाबू की प्रतिमा का खंडन किया जाता है। काम भी अस्पष्ट है, इसलिए मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि हर बार हम ये बाहरी बिक्री का मामले को हम लोग कभी नहीं लड़े, हम लोग हक अधिकार के लिए लड़े हैं। विनोद बाबू की प्रतिमा रामडी एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए आप ये बात ना लगाएं कि किसी बाहरी तत्व ने तोड़ा होगा। निश्चय ही कोई ऐसा तत्व होगा जो झारखंडी भी हो सकता है, लेकिन वह विषमतावादी तत्व होगा, वह सामंतवादी तत्व होगा, वह पूंजीवादी व्यवस्था का परिचालक होगा। तो आज उसी क्रम में मैं उन नापाक लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं कि विनोद बाबू की प्रतिमाओं का खंडन करके विनोद बाबू को खत्म कर देंगे। असंभव। फिलहाल तो जब तक चांद सितारे हैं धरा पर, जब तक ये धरती, जब तक ये अंबर है, तब तक समाप्त नहीं होगा। विनोद बाबू एक हाड़ मांस के बने शरीर नहीं थे जो वे गल जाएंगे या मिटा दिए जाएंगे। वे विचार थे और वो विचार हमारी जनभावना में आज भी कायम है। उसी क्रम में आप विनोद बाबू की अगर प्रतिमाओं का खंडन करोगे तो हजारों विनोद की प्रतिमाएं भी छप जाएंगी और तस्वीरें भी छप जाएंगी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जरूरी है उनके विचार जो हमारे हृदय में छपे हुए हैं। हालांकि वो विचार थोड़ा समय के साथ धुंधले पड़े हैं, किसी कारणवश कहिए या आपसी सामंजस्य ना हो पाने के कारण, लेकिन अंततः इसी बीच आप देख सकते हैं महावीरता भी प्रतिमा तोड़ी गई रामडी में, लेकिन महावीरता गिरिडीह में विनोद बाबू की शानदार चित्रण को प्रस्तुति कर रहे हैं। महावीरता हमारे साथ हैं, माटी चित्रकार, और इनका भी धन्यवाद। विनोद बाबू के विचारों को ये गांव-गांव लेकर जा रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से भी साथी गांव-गांव लेकर जा रहे हैं, वक्ता बातों के साथ लेकर जा रहे हैं, संगीतकार गीतों के माध्यम से लेकर जा रहे हैं, और चित्रकार चित्रकला के माध्यम से विनोद बाबू और तमाम झारखंड के जो महापुरुष हैं। कुछ दिन पूर्व रामजाल कुंडा जी की भी जयंती थी, उन्होंने बहुत सुंदर उनका भी चित्रांकन किया। निर्मल दा की भी जब जयंती थी, शहादत दिवस, उनकी भी चित्र का बहुत सुंदर चित्रांकन किया। तो उसी क्रम में आज विनोद बाबू की तस्वीर इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि लोग जो अराजकतावादी लोग हैं, जो विषमतावादी लोग हैं, उन्होंने संदेश दिया विनोद बाबू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके कि हमारे विचारों को क्षतिग्रस्त करेंगे। तो महावीरता पुनः संदेश दे रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। विनोद बाबू की अगर एक प्रतिमा को कोई क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करेगा तो हजारों प्रतिमाओं के साथ साथ अब हजारों सशक्त विचार, उनके विचार जो थोड़ा सा धुंधले पड़े हैं, उन्हें पुनः अपनी कलाकृति के माध्यम से जागृत करेंगे। टाइगर जयराम दा का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पुड़ैया में रोड किनारे काम कर रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि टाइगर जयराम दा मैंने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके नज़र मैंने विनोद बाबू के मैंने चित्रों पर पड़ा तो इनको लगा कि मैंने महावीर जरूर होंगे, तो फिर आके मैंने स्वेच्छा से आके मैंने खुद मिले। तो बहुत ही दादा का मैंने बहुत ही एक मैंने बहुत शुरू से ही मैंने झारखंडी संस्कृति भाषा के प्रति मेरा दादा का समर्थन है, इसलिए हम लोग मैंने साथ में है दादा के साथ और लगातार काम मतलब जारी ही रहेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से सबसे पहले कहीं ना कहीं चिंतन करे की आवश्यकता हो। आज हमने के फिर से ये आंदोलन तो 8 महीना से चलिए रहा है, लेकिन हमने के फिर से बैसी के बुझे की आवश्यकता हो। एक साथ नहीं कहा जाए तो एक दिन मतलब लगभग 24 घंटा के अंतराल में तीन को घटना घट लो और तीनों विनोद बाबू से रिलेटेड हो, यानी कोई ना कोई व्यक्ति हो जो विनोद बाबू के विचार के डैमेज करने का प्रयास कर रहा हो, कोई ना कोई व्यक्ति हो जो विनोद बाबू के विचार के चाह हो लेकिन खैर वो अपन मनसा में कामयाब नहीं होते। पहला की बोलो कि विनोद बाबू के जो गाँव जहाँ अगर माटी जहाँ विनोद बाबू की जन्मभूमि बड़ा था गाँव में वो घटना घट हो कि जय लोग दबंग लोग गिला जैसे दबंगगिरी के माध्यम से कंपनी में कब्जा कर लो अपनी अगर गांव के लोग के साथ 10 लोग के साथ मारपीट मैंने जानलेवा हमला कर दो। दूसरा घटना घट हो कि एगो बहरिया विधायक बक्सर के बक्सरिया विधायक विनोद बाबू के लॉ कॉलेज में विनोद बाबू के पोता हल्थिन राहुल बाबू ओकरा सचिव पद से बर्खास्त कर दे। अभी क्या एगो बहरिया बक्सरिया एगो बक्सरिया विधायक और तीसरा घटना घट रहा रामडी में विनोद बाबू की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त कर दे। यानी एक दिन में कहा जाए 24 घंटा के अंतराल में तीन को घटना घट रो और तीनों विनोद बाबू से रिलेटेड, यानी स्पष्ट है कि आंदोलन टी के भनक शोभ के लायक गए कि आंदोलन टी कहीं ना कहीं एगो जन जागरण हो रहा है, पुनः जागरण हो रहा है। जनता हमने अंग्रेजी में रिनेशा कहें कि एगो मैंने पुनः जागरण रिबर्थ रिवाइवल, तो सैनियर एगो रिबर्थ भे जा रहा है झारखंड के एगो संस्कृति के भाषा के परम्परा के। एक्चुअली संस्कृति भाषा परम्परा सब हल है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाहरी संस्कृति तत्व जब आए गए तो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया, लेकिन ये आंदोलन के माध्यम से जनमानस अपन वापस अपन प्रयास कर रहा है अपन हर वापसी इंसान तत्व में अपन भाषा अपन संस्कृति अपन निजे के और चाल चलन अगर गीत परम्परा और संगीत और में। तो आज ओकरे क्रम में अपनी बाहर है बोले तो अचानक देख ले विनोद बाबू की तस्वीर, तो भाई विनोद बाबू की तस्वीर अभी आधा देख ले तो समझ गए कि क्यों ना क्यों पूरा करे वाला है, तो पूरा करे वाला फिलहाल महावीर रहते ओकरे क्रम में आज हमने यहाँ वाले संदेश हटे रहते हैं। आज विनोद बाबू हाड़ मांस के मात्र एगो शरीर ना हटल जो समाप्त हो गए और विचार
है, और जब तक चांद सूरज सितारा रहता है, धरती अम्बर पारा सबके पहाड़ रहते हैं, तब तक अगर विचार हमने जनमानस के हृदय में रहते हैं। तो जितना भी ऐसा व्यक्ति है जो सोचल है कि विनोद बाबू की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त करके, बहुत कुछ दिन पहले देख लिया कि बिरसा बाबा के भी प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो रहा है, एक जगह देख लिया सिंधु कानून के पर नीलाम्बर पीताम्बर के प्रतिमा के क्षतिग्रस्त करते हैं, विनोद बाबू के फिर महोदय में मैंने मूड उखाड़ के अथी कर दिल, तो कहीं ना कहीं लोग के लगे आभास भ गया कि भाई झारखंड के लोग अपन जब हक अधिकार लगो अपन जो है पहचान लगो ओकर तरफ वापस जा रहा है, और अपनी अगर रोकना हो अपनी के ऊपर अगर शासन करना हो तो अपनी के महापुरुष होते अपनी के विचारधारा का नष्ट करना हो तो अपनी प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी प्रयास फिलहाल कामयाब नहीं होते। साथ ही जितना भी लोग जो से जुड़ल या फिर बाद वीडियो देखा अपने से अपील रहते हैं विनोद बाबू के विचार जो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला पड़ रहा है, जे भी खामी हलै हमने दोषी हलिए पुनः हमने के बैसी के सोचे तो अगर विचार के फिर जन जागरण के माध्यम से रात्रि पाठशाला होता है जन अन्य साधन और माध्यम से गांव गांव तक पहुँचाना हमें अच्छा रहता है। साथ ही प्रशासन से अपील रहते हैं कि विनोद बाबू के प्रतिमा के क्षतिग्रस्त कर ले रामडी मोड़ में और पे त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही जितना भी साथी है अपनी से निवेदन रहता है कि बड़ा धाम में जो कांड बल राहुल बाबू के साथ कांड बल।